ज़्यादा ऊपर है, इसको नीचे करूँ और नहीं नहीं आ रहा शायद नीचे, ये वजन तो चाहे कुछ करो अब नीचे आ नहीं रहा इससे। कुछ रख दो उस पे। आप लोग बताओ मैं डॉस को ओपन कैसे करूं? विंडोज आर करके सीएमडी एंटर मारा था तो हो गया था एक बार ओपन, ठीक है अब की बार भी करूंगा तो ओपन ही हो जाएगा, लेकिन आल प्रोग्राम में आओगे फिर एक्सेसरीज में आओगे फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे एंटर मार दोगे तो ऐसा खुल जाएगा। ठीक, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे कर दूंगा ओपन कमांड विंडो हेयर राइट। ये देखिए डेस्कटॉप में जो है ओपन हो गया है, ठीक है। एमडी से फोल्डर बनता है आपको मैं बहुत पहले बता दिया था, मैं फिर से एमडी एंटर कर दिया, देखिए फोल्डर बन के रेडी हो गया, ठीक है। आरडी से डिलीट होगा, मैं डिलीट कर दिया ये देख लो, ठीक है। सीएलए से स्क्रीन क्लियर होता है आपको मालूम था, मैं फिर से बता दिया आपको, ठीक है। अब एमडी स्पेस एंटर मारा, सीडी स्पेस ये किया, इसके अंदर चला गया, ठीक है। इसके अंदर अगर मुझे फोल्डर बनाना है तो क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, कमांड दूंगा एमडी स्पेस, ये देख लीजिए बन गया फोल्डर। अब मैं क्या चाहता हूं, ठीक है, कि इस ये जो फोल्डर है ना इसका नाम को मैं बदल दूं, ठीक। नाम को मैं चेंज करना चाहता हूं, इस फोल्डर के नाम को मैं चेंज करना चाह रहा हूं, तो कैसे चेंज करूंगा? मूव कमांड के द्वारा, एमओवी, ठीक, स्पेस दूंगा, फिर एमएमएम पुराना नेम, फिर नया नेम क्या दूंगा, ये न्यू एनएमई, ठीक, एंटर मारूंगा तो क्या होगा, नाम बदल गया है, देख लो, ठीक। तो फोल्डर का नाम बदलना है तो क्या करोगे? मूव कमांड का आप इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। सीडी डबल डॉट करके मैं पीछे आता हूं, ठीक है, और ये फोल्डर है इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूं, आरडी स्पेस सेम, एंटर मारा, बोल रहा है द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, मतलब डायरेक्टरी को पहले खाली करो तब मैं कुछ करूंगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ठीक है भाई चल खाली कर देता हूं मैं, आरडी किया। अब मैं यहां पे टैब मारूंगा तो भी फोल्डर का नाम आ जाएगा, ठीक है, एंटर मारा, सीडी डबल डॉट बैक आया, फिर आरडी किया, फिर एसीएम एंटर मारा, ठीक, तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो फोल्डर के बारे में तो आपको समझ हो गया होगा, ठीक है। सीडी फॉरवर्ड स्लैश एंटर मारा, सीधा आ गया मैं सी ड्राइव पे, ठीक, मतलब कहां पे आ गया, यहां पे, ठीक है, मैं जाना चाह रहा हूं इस ड्राइव पे, ठीक ठीक है। कोई मूवी वगैरह नहीं है क्या? मैं इसको क्लोज करता हूं, मैं जाना चाहता हूं एच पे ना, एच लिखा ऐसे किया तो एच पे आ गया, ठीक। डी आई आर करूंगा तो ये यहां पे आ गया जो भी था, सी एल एस मारूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। सी डी स्पेस ये देखिए मैं टैब मार रहा हूं तो ये सारा आ रहा है, ठीक है। एंटर मारूंगा तो इसमें मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक। फिर इसमें मैं टैब बटन दबाऊंगा तो ये देखिए एक एम पी फोर आ गया ना, ये देखिए इसके अंदर एक एम पी फोर है। यहां पे आऊंगा, यहां पे आऊंगा, ये देखिए एक वीडियो है, इसी वीडियो का नाम वहां पे आ गया। एंटर मारूंगा तो प्ले कर देगा वीडियो, ठीक, ये देखिए प्ले कर दिया कॉलम यहाँ पर, आपको सुनाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि मैं देने नहीं दूंगा, ठीक है। सी डी डबल डॉट एंटर मारा आ गया, एच पे सी एल एस मारा ए आ गया, ठीक। ये वाला जो एप्लीकेशन है ना, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं या इसको मैं क्या करना चाह रहा हूं, ओपन करना चाह रहा हूं, ठीक, इस वाले फाइल को। तो कैसे ओपन करूंगा? ये कहां पे है? सी पे है ना, तो ये देख लीजिए मैं यहां पे आऊंगा, सी करके एंटर मारूंगा, फिर सी डी टैब स्पेस टैब मारूंगा, फिर ये देखिए आ जाऊंगा ऐसे करते करते यूजर पे, ठीक। शिफ्ट टैब मारा तो मैं बैक आ गया, फिर किया यूजर पे आ गया, फिर सी डी स्पेस टैब मारूंगा, देखूंगा यहाँ पे डेस्कटॉप कहाँ है, नहीं नहीं डेस्कटॉप नहीं होगा, ये फोल्डर होगा, फिर इसके अंदर सी डी करूंगा, फिर टैब मारूंगा तो डेस्कटॉप आएगा कहीं पे,
ठीक है, ये देखिए आ गया। मैं लिख भी सकता था लेकिन टैब टैब मार के आ रहा हूँ, टैब मार दीजिए, मैं आगे चला गया तो डॉक्यूमेंट आ गया, फिर शिफ्ट टैब मारूंगा तो फिर डेस्कटॉप आ जाएगा। ठीक, एंटर मारा, अब डेस्कटॉप पे आ गया। मैं ये वाला चाह रहा हूँ, टैब 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 ऐसे मारते जाऊंगा तो ये देखिए आ रहा है ना, ये देखिए इसका नाम यहाँ पे अपने आप आ गया। एंटर मारता हूँ, पीडीएफ ओपन कर देगा चुपचाप, तुरंत ओपन कर दिया ना, मैं पूरा नहीं खोलना चाहता अभी इसको, ओपन कर दिया। तो इस तरह से आप कुछ भी खोल लो, ठीक ठीक है। तो आप डॉस पे तो काम कर ही सकते हो, अब मुझे लगने लगा है। ठीक है सर, वायर वगैरह अभी नहीं गिरा है ना, अच्छा मैं टेबल मेरा वो कनेक्टेड है इसलिए हिल रहा है। ठीक है चलो, यहाँ पे एक तो एक फाइल है, ठीक है, इस फाइल के अंदर क्या लिखा है देखना है आप लोगों को, चलिए दिखा देता हूँ। टीआईपी टाइप कमांड से फाइल के अंदर का कंटेंट देखा जाता है, ये देखिए, क्या बोल दिया, मजा नहीं आया, इतना लिख के मैं क्या करूंगा, टैब मारूंगा, टीआईपी टाइप लिखा, स्पेस दिया, स्पेस इतना लिखा, फिर टैब मारा तो ये पूरा अपने आप लिखा गया। ठीक, एंटर मारूंगा तो ये देखिए मोबाइल नंबर शायद इसमें था, ये सामने आ गया। ठीक है, कोई फोन फान मत करना, बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये मोबाइल नंबर इसमें आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, फाइल तो बनाना आप लोग सीख लिए हो ना, तो मुझे बताने का तो जरूरत नहीं होगा। हाँ, कंट्रोल सी वाला तो मुझे साबित करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े देर में कर दे रहा हूँ वो भी। ठीक है, मान लो इसी फाइल को एडिट करना है आपको, ठीक, तो कैसे करोगे, बहुत आसान। ठीक, टाइप की जगह पे लिख दिया मैं एडिट, ठीक, एडिट कमांड मारा, टेक्स्ट फाइल का नाम लिखा, मार दिया एंटर। ठीक है, चल भाई एडिटर खुल जा, ये तो टाइम ले रहा है ज्यादा, मजा नहीं आया, ये देखिए। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ भी लिख दूंगा ऐसे, ठीक है, और फिर क्या करूंगा, ऑल्ट एफ दबाया तो ये खुला। अब मैं क्या करूंगा, एस बटन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक, सेव हो गया ये, फिर ऑल्ट दबाऊंगा, ठीक है, फिर एफ मारूंगा, नहीं नहीं ऑल्ट एफ, फिर एक्स दबाऊंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नो पे मैं क्लिक करता हूं क्योंकि फिर से एफ दब गया था मेरे से, नो कर दिया। ठीक, अब टाइप कमांड दूंगा, फिर आर ए लिख के टाइप मारूंगा तो आ जाएगा, ये देखिए जो इधर बदलाव किया था वो सेव हो गया है ना। ठीक, पीछे आप लोग ध्यान से इधर देखिए, ठीक, पंचायत बाद में करिएगा। ठीक है, सी एल एस कर दूंगा मैं इसको, ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कौन से, मैं एक फाइल फिर से बना लेता हूं, स्पेस sem.txt, ठीक, एंटर मारा, इसके अंदर कुछ लिखा है, एंटर मारा, ये आ गया फाइल, इसके अंदर सेव हो चुका है वो वाला कंटेंट। ठीक है, फिर करके एंटर किया, दूसरा लाइन भी सेव हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अगर कंट्रोल जेड दबाऊंगा तब तो सेव ही हो जाएगा, F6 दबाऊंगा तो भी सेव हो जाएगा, यहां पे क्लोज करूंगा तो भी वो सेव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंट्रोल सी करके करूंगा तो वो डिलीट कर दिया। ठीक है, यहां जो फाइल था वो सेव नहीं हुआ, डिलीट कर दिया वो। ठीक है, विंडो 7 में डिलीट कर देता है, 10 में जो है नहीं डिलीट करता। EDIT करके एंटर मारूंगा तो एडिटर खुलेगा। अब यहां से ऑल्ट एफ करके मैं कर लूंगा ओपन ऐसे फाइल, ये देख लीजिए आ रहा है ना यहाँ पे, ये देख लीजिए, फिर से इसको मैं क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से डॉस के थ्रू जो है कुछ भी फाइल आप बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एक फाइल मैं आपको और बना के दिखाता हूं, जो मैं वहां पे उदाहरण दे रहा था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कॉपी कॉन स्पेस my.mp4, राइट, एंटर मार दिया, इसमें कुछ कंटेंट लिखा, फिर कंटेंट लिखा, फिर कंटेंट लिखा, कंट्रोल जेड सेव करके एंटर कर दिया, ये फाइल बन के रेडी हो गया है देखिए। लेकिन ये वीडियो का तो फाइल है नहीं, तो ये वीडियो में क्या चलेगा, कुछ नहीं है, देखिए चल नहीं रहा है ये, सामने वाला कहेगा कि फाइल करप्ट हो गया है। लेकिन आप क्या करिएगा, ऐसे करिएगा, टाइप कमांड दीजिएगा, फिर my.mp4 लिख के मारिएगा एंटर, इसके अंदर जो कंटेंट था वो दिख गया ना, NOT, नोटपैड में भी इसको आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये देख लीजिए हो गया। तो ये सामने वालों को कंफ्यूज करने के लिए अच्छा टेक्निक है,
वो तो परेशान हो जाएगा, बोलेगा वीडियो का तो फाइल है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, लगता है करप्ट हो गया है। लेकिन क्या होगा, आप उसके अंदर कुछ सेंसिटिव डेटा छुपा के रखे रहेंगे अपना, जैसे कि आपका पासवर्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, फेसबुक का पासवर्ड हो गया, ट्विटर और इंस्टाग्राम का पासवर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा आप लोग रखिएगा मत, क्योंकि कुछ उस तरह के शातिर लोगों के हाथ में फाइल चला गया तो वो कुछ छौ करके निकालेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को क्लियर है, स्पेस del स्पेस दूंगा, फिर कर दूंगा my.mp4, डिलीट हो गया, हो गया डिलीट। ये जो टेक्स्ट फाइल है ना, इसका मैं नाम बदल दूं, नाम कैसे चेंज होता है, ren रेन कमांड से, ठीक है। स्पेस दिया, अब इसमें देता हूं न्यू नेम .txt, ठीक, एंटर मारूंगा, ये देखिए नाम बदल गया ना, बदल गया नाम। चलिए फिर से इसका मैं नाम वापस रीनेम पूरा लिखता हूं, फिर स्पेस दबाता हूं यहां पे न्यू नेम, ठीक, .txt, ठीक, एंटर मारा तो फिर से नाम बदल गया। तो रेन या रीनेम दोनों कमांड काम करेगा फाइल के केस में, ठीक है। अब delete डिलीट किया, फिर raj स्पेस एंटर मारा तो डिलीट कमांड नहीं काम करता, ठीक है। मैं सिर्फ लिखूंगा del, ले लीजिए ये फाइल जो है डिलीट हो गया, ठीक है, ठीक ना, क्लियर है आपको इतना, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। किसी भी फाइल में जाना हो, फोल्डर में जाना हो, किसी फाइल को ओपन करना हो, आप कर लेंगे, इसमें हो जाएगा ना आप लोग से, नहीं होगा। चलिए कुछ और कमांड पढ़ ले और चलिए, एक तो कमांड है ट्री, एंटर करोगे आप तो क्या हो गया, ट्री के जैसा जो है फोल्डर स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ट्री कमांड बताने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। वो सवाल ये है कि मान लीजिए आपको कुछ स्टूडेंट का लिस्ट दिया गया है और बोला जा रहा है कि आप इन सारे स्टूडेंट के नाम से फोल्डर कंप्यूटर में बना के तैयार कर दीजिए, ठीक, आप कैसे बनाएंगे फोल्डर बताइए। बताने का इच्छा नहीं है क्या, या पता ही नहीं है, भूल गए, नहीं पता। आप लोगों को मैं पहले भी बोला था, फिर से मैं बोल रहा हूं, महत्व का ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, महत्व का ये है कि आपने अनुकरण कितना किया। महत्व ज्ञान का तब होता है जब आप उसका इस्तेमाल कर पाए। आपको बताया था मैं कि बैच फाइल बनाइए और फिर फोल्डर बना लीजिए, लेकिन आपको तो जरूरत ही नहीं है उससे, क्यों, आप क्या करोगे, बैच फाइल बना लोगे सबका, ठीक है। बैच फाइल एक बनाओगे, उसमें सारे जितने स्टूडेंट का नाम होगा लिख दोगे, डबल क्लिक मारोगे, रन हो जाएगा और फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। अब बन जाएगा ना, कि करके दिखाऊं, cls, चलिए मैं DOS से ही बैच फाइल बनाता हूं, ठीक है। कॉपी कॉन स्पेस फोल्डर .bat कर दिया स्पेस। अब स्टूडेंट का नाम लिखना है, नाम बताइए, अमित स्पेस सुमित, क्या लिख रहा हूं मैं, सुमित मोहन सूरज, और कुछ नाम बताओ, क्या अरुण और राम श्याम और जो भी, ठीक है। मार दिया एंटर, कंट्रोल जेड, सेव हो गया, ठीक। वो कहां चला गया फिर, ये देखिए चला गया। अब इसको मैं चलाना है, मेरे को कैसे चलाऊंगा, एफ लिख के टैब मार दिया, फोल्डर लिखा गया यहां पे पूरा, एंटर मार दूंगा, अमित
ओह नो, मैंने क्या किया, गलती कर दिया। इन सारे नाम के पहले मुझे एमडी कमांड तो लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया, गलती कर दिया। अब क्या करूंगा, मैं एडिट कमांड का सहारा ले लूंगा ना, एडिट करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा एमडी, स्पेस दे दूंगा। अब क्या करूंगा, ऑल्ट एफ एस दबा के सेव कर दिया। अब ऑल्ट एफ करूंगा और फिर एक्स करूंगा, ठीक, सेव हो गया होगा वो फाइल। फिर से मैं रन कर दूंगा इसको, ठीक। ये देखिए, ये जो कमांड चला है यहाँ पे भी आ गया और फोल्डर बन के रेडी हो गया, ठीक। मैं शिफ्ट दबाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक, नहीं यहाँ पे नहीं करूंगा, यहाँ पे कर, मैं कहीं नहीं क्लिक करूंगा, बस ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, नहीं तो बाकी फोल्डर भी फाइल भी पार हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, ये तो रहा, मैं डॉस से चला दिया, इस पे भी डबल क्लिक करूंगा तो फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब क्या करूंगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे आरडी लिखूंगा, ठीक है, और ये सारा नाम तो है ही है, मारूंगा एंटर, पार हो गया एक झटके में, ठीक। अब इस फोल्डर फाइल का मुझे तो जरूरत नहीं है, बैच फाइल का ना, करूंगा डेल और फिर लिख दूंगा एफ ओ, लिखूंगा टैब, मार दूंगा, ये पूरा लिखा जाएगा, मार दूंगा एंटर, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे चले, फाइल को बनाना, डिलीट करना, फोल्डर को बनाना, डिलीट करना, रिनेम करना, सबको क्लियर है, समझ में आ गया, बैच फाइल भी समझ में आ गया। बैच फाइल के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बैच प्रोग्रामिंग में आप कुछ कर सकते हो, ठीक। आगे चले, ट्री कमांड टाइप आप करेंगे तो क्या होगा, ट्री के जैसा आपका आ जाएगा जो है, ठीक है, फाइल फोल्डर का लिस्ट पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेट टाइम कमांड पढ़ते हैं, डी ए टी आप लिख के एंटर मारोगे तो क्या होगा, बोलेगा कि आपका करंट डेट ये है, आप चाहो तो बदल भी सकते हो, मैं कहता हूं बदल दो, ठीक है, तो ये भी कहता है बता दो, तो मैं बोल देता हूं ये लो 2021, एंटर। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, मैं नहीं सुनूंगा ऐसे। फिर मैं बोला क्या करूं भाई, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, अब चलिए जी ऐसे किया, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, कब काम करेगा, डेट पूरा लिख लेता हूं तब शायद काम करेगा, ठीक है। 12/14/2021 बोल रहा है, ये रिक्वायर प्रिविलेज इज नॉट होल्ड बाय द क्लाइंट, मैं बंद कर दूंगा, मुझे गुस्सा आ गया, दिमाग खराब हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, ये इतना मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अब, ठीक, ठीक ना। तो डी ए टी डेट एंटर, अब क्या करूंगा, 12/14/21 एंटर किया, बदल गया मेरा, ठीक। पहले क्यों नहीं बदल रहा था, बहुत मजाक किया पहले, मजा नहीं आया, ठीक है। पहले क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर मोड में मैं ओपन नहीं किया था, नॉर्मली यूजर मोड था, अब एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन है, मतलब अब इसके पास कंट्रोल है, ठीक। फिर से डेट कमांड डाला, ठीक है, और फिर क्या करूंगा मैं, भाई 13 तारीख था, मेरे को 13 ही पसंद है, एक दिन और आगे नहीं जाना है, 13 तारीख ही था ना, तो 13 तारीख में कर दिया, तो डेट ऐसे बदल लोगे, टाइम कैसे बदला जाएगा, ठीक है। एंटर मारोगे, सबसे पहले तो डॉस को क्या, डॉस को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन कर लोगे, फिर टाइम का कमांड दोगे तो ये आ जाएगा, बोल रहा है कि न्यू टाइम बताओ, ठीक है, 12:15 इसके मुताबिक हो रहा है, मैं क्या कर दूंगा, 12/16:00 एंटर, क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक। लेकिन मैं 16 नहीं करना चाहूंगा, क्या चीज ये बात है, अब तो बदलाइए गया ना, 1 AM हो गया अब, ठीक। फिर से टाइम कमांड मारता हूं मैं, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, PM एंटर, नहीं एंटर एक्सेप्ट, मैंने कुछ गलत टाइम डाल दिया, एंटर, ये देखिए PM हो गया अब, ठीक है, लेकिन 12:16 ही हो गया, ठीक है,
मैं फिर से उसको एक बजाता हूँ अब, ठीक है। पीएम ये लीजिए, एक पीएम हो गया ना। सबसे पहले घंटा एंटर किया, मिनट एंटर किया, सेकंड एंटर किया, फिर एएम और पीएम एंटर किया। अब मुझे पता ही नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है। छोड़ो, हटाओ, जाने दो, बाद में देख लेंगे क्या टाइम हो रहा है। तो डेट आपको बदलना आ गया, टाइम बदलना आ गया, ठीक। अब क्या सीख ले, अब एचईएलपी एलपी एल, देखते हैं इसमें आपके कुछ काम का मिल मुझे दिख जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। एट्रीब्यूट है, ब्रेक है, और सी डी डी एच सी पी, कलर, कॉपी। कॉपी नहीं बताया हूं ना आप लोगों को, कॉपी कमांड बता देता हूं। ये जैसे फाइल है, ठीक। मैं शिफ्ट दबाऊंगा, नहीं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा, सी एल एस करूंगा, एंटर कर दूंगा, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, आ जाऊंगा डेस्कटॉप पे, यहां पे आऊंगा, ठीक है। कंट्रोल सी करूंगा और यहां पे वी कर दूंगा, मजा नहीं आया, वी हो गया। शिफ्ट इंसर्ट करूंगा तो पेस्ट हो जाएगा, नहीं हुआ। लाइनक्स में तो कर लेता हूं मैं, इसमें पता नहीं इसको क्या समस्या हो गया इस सज्जन को। मैं पहुंचूं कैसे डेस्कटॉप में, सी डी फॉरवर्ड स्लैश एंटर, फिर सी डी यूजर्स, सी डी एंटर, सी डी डेस्कटॉप, सी एल एस। इस फाइल को मैं बोल रहा था ना कॉपी करने को, ठीक है। कॉपी कमांड लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा, EX लिख के टैब मारूंगा तो पूरा लिखा जाएगा, फिर स्पेस दबाऊंगा, फिर EX लिखूंगा, टैब दबाऊंगा और फिर 1 लिख के एंटर मार दूंगा। ये फाइल दो कॉपी बन गया, ठीक। एक ये कॉपी है, दूसरा ये कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम लिखोगे, जिस फाइल का कॉपी बनाना है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, जो नया फाइल बनेगा उसका नाम क्या होगा, ठीक। चलिए, इसी को मैं अप एरो दबाया तो फिर से वही कमांड आ गया, ठीक है। मैं यहां पे आ जाता हूं और यहां पे लिखता हूं MOV मूव, ठीक। फिर यहां H लिखता हूं, कॉलन देके मार देता हूं एंटर, ठीक। द फाइल इज एग्जिस्ट, द फाइल क्या बोल दिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मैं भूल रहा हूं शायद कमांड HELP एंटर, नहीं नहीं ऐसे तो काम करेगा नहीं। चलो कोई नहीं, यहां पे मैं आता हूं, इस फाइल को क्या नाम देता हूं, SEM, ठीक है, MM ऐसे, ठीक। अब मैं क्या काम करूंगा, MOV मूव लिखा, फिर SEM, टैब मारा, पूरा आ गया, फिर स्पेस दिया, एच लिख के मार दिया, कॉलन एंटर मार दिया, तो क्या हुआ, मूव कर दिया, यहाँ का डिलीट हुआ फाइल। अब पहले क्यों नहीं हो रहा था, पहले साफ मैसेज लिखा कि द फाइल इज एग्जिस्ट, मतलब आप एच ड्राइव में जहां इसको मूव करना चाह रहे हो वहां पे ये फाइल पहले से है, तो मैं कैसे कर दूं, ठीक। तो मैंने उसका नाम बदल के ये कर दिया, ठीक है। और फिर मैं क्या किया, फिर मैं किया ये कि एच में मूव कर दिया, ठीक है। अब एच से दोबारा फाइल यहां मुझे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, आप देखते जाइए, मैं मेहनत करना नहीं चाहता, ठीक है। तो क्या करूंगा, इन सब को सिलेक्ट, नहीं मैं मेहनत कर लूंगा अब, ठीक है, ये करूंगा। फिर क्या करूंगा, SEMM.txt, नहीं 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 पहले तो मूव लिखना पड़ेगा ना जी, मूव SEMM.txt, ठीक। अब सी लिखूंगा, ठीक है, कॉलन बैकस्लैश यूजर्स, फिर HEMANT बैकस्लैश डेस्कटॉप, ठीक है, मार दूंगा
एंटर, मारने से पहले एंटर आपको लाइव दिखा दूं यहाँ पे कि देख लो भाई सच में आ गया है, ये देख लीजिए आ गया है ना, ठीक है। अब मारूंगा एंटर तो क्या होगा, दोबारा यहाँ पे आ गया, ठीक। तो आप इस तरह से कोई भी फाइल को मूव कर सकते हो, हो जाएगा, सबसे बड़ा आसान काम है, हो जाएगा ना, नहीं होगा, चलिए जी हो जाएगा सबसे, कर लोगे, हाँ आप लोग ज्ञानी आदमी हो। UGCNET एंटर, ये बोल रहा है एक्सेस डिनाइड, ठीक है छोड़ दो, जब एक्सेस डिनाइड है तो मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर होगा, डेट टाइम तो आप लोग बदल ही दोगे, फाइल को मूव भी आप कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा सबसे, हो जाएगा ना। आगे चले, मैं पहले टाइम देखूंगा कि टाइम कितना हुआ है, 26 मिनट हो गए हैं। आखिरी एक कमांड आपको और मैं बता दे रहा हूं, ठीक, लेकिन वो भी आज नहीं बताऊंगा, आप कल बता दूंगा, ठीक है। EXIT करके एग्जिट मारोगे तो जो डॉस है वो क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। अब बताओ मुझे किसी को कोई समस्या है इतने में, हम लोग क्या क्या पढ़े, CD पढ़े, CD डबल डॉट पढ़े, CD फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश पढ़े, फिर क्या पढ़े, MD पढ़े, फिर क्या पढ़े, मूव कमांड पढ़े, जिससे कि फाइल मूव भी होता है और फोल्डर का नाम बदला जाता है, ठीक है। RD पढ़े, जिससे कि डायरेक्टरी रिमूव होता है, ठीक है। RMDIR पढ़े, जिससे कि डायरेक्टरी रिमूव होता है। MKDIR पढ़े, जिससे कि नया डायरेक्टरी बनता है, ठीक। इतना सबको क्लियर हो गया। फिर कॉपी कौन पढ़े, जिससे कि फाइल बनाया जाता है, ठीक है। और फाइल को सेव कैसे किया जाएगा, CTRL प्लस Z और प्लस एंटर दबा के, ठीक, एंटर या फिर दूसरा F6, ठीक है, उसके बाद जो है प्लस एंटर, ठीक है। उसके बाद क्या, रेन कमांड पढ़े या फिर रीनेम कमांड, ठीक है। रीनेम से क्या होगा, फाइल रीनेम हो जाएगा, ठीक है। डिल से क्या होगा, फाइल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और क्या पढ़े, टाइम कमांड पढ़े, इससे क्या होगा, सिस्टम का टाइम आप देख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। डेट से क्या होगा, डेट से आप डेट, सिस्टम का डेट बदल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। और कुछ पढ़े, ट्री कमांड पढ़े, जिससे ट्री के रूप में आप देख सकते हैं पूरा। DIR पढ़े, जिससे क्या होगा, जिस डायरेक्टरी में हम हैं उस डायरेक्टरी का कंटेंट देख सकते हैं, जैसे कितना फाइल है, कितना फोल्डर है। आगे हमने क्या पढ़ा, आगे कुछ पढ़ा हमने, कॉपी पढ़ा ना, कॉपी से क्या होगा, फाइल कॉपी किया जाता है। मूव से क्या होगा, फाइल को मूव किया जा सकता है। EDIT से क्या होगा, फाइल को एडिट किया जाता है। और कुछ पढ़े हम लोग, CLS हम लोग पढ़े, जिससे स्क्रीन क्लियर किया जाता है। और क्या पढ़े, और टाइप कमांड पढ़े, TIP टाइप पढ़े, जिससे कि फाइल का कंटेंट रीड किया जाता है। आगे क्या पढ़े हम लोग, और कुछ पढ़े नहीं, पढ़े इतने ही कमांड हम लोग इतने दिन में पढ़े, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हम लोग। और कुछ पढ़े हम लोग, नहीं पढ़े, हो गया इतने ही पढ़े हैं ना हम लोग। तो इतना में किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना, ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, दिक्कत है कि नहीं है, कुछ बोलोगे तो मैं समझ पाऊंगा और आगे चलूंगा, क्यों
आगे चले। चलिए जी, इसको अब मैं कर देता हूं बंद। बाकी दो तीन कमांड है जिसको हम पढ़ लेंगे अगले दिन, ठीक ठीक है। बाकी फिर हम देख लेते हैं अब एक्सेल का थोड़ा सा, ठीक।